चाहे बेटा हो, सब प्रणाम करो उनको। राम जी सीता को नमस्कार करते थे, सीता जी को प्रणाम करते थे राम जी, और इसीलिए सच्चे पति थे वो। क्यों? क्योंकि ये बड़ी शक्ति है, इनको प्रणाम करने में फायदा है, क्योंकि इनसे कोई जीत तो नहीं पाया आज तक, और जिससे हम जीत नहीं सकते हैं उससे झुकने में ही फायदा होता है, टकराने में फायदा है। इसलिए देवियों राम राम, ये देवियों से बचना है तो राम राम में फायदा है। राम राम रहेंगे तो बचे रहेंगे, अगर टकराए तो आप समझ लो आपकी आप जाने, मुझे नहीं पता। महान देवी क्यों? अनुसुईया माता अकेली लाखों साधु संतों का पालन कर बैठी है, लाखों साधुओं को खिला चुकी है, निला चुकी है। ये सेवा पुरुष नहीं कर सकता, जो स्त्री कर लेती है। स्त्री ने अगर मन बना लिया तो कितनी भी सेवा कर सकती है, कितनी भी बड़ी सेवा। स्त्री के अंदर काम करने की क्षमता ज्यादा होती है पुरुष से, इसलिए आजकल कंपनियों में सबसे ज्यादा छोकरियों को नौकरी मिलती है। छोकरे चप्पल चटका रहे रोड पे, लड़की चली जाए नौकरी के लिए पटापट लग जाती है, और छोकरे को 3 महीना हो गए नौकरी मिलती नहीं है, क्योंकि छोकरे के अंदर होता है हरामखोरी, आलसा। और छोकरियां ही ना काम बहुत करती है, चली रहती हैं, लगी रहती हैं, और मन भी मोहिती रहती हैं। औरत कितनी भी काली हो पर पुरुष के मन को मोहे लेती है, कितनी भी औरत काली हो, कितनी भी बुरी हो पर किसी भी पुरुष को मोहे सकती है। आदमी कितना भी सुंदर हो पर औरत का मन मोहना कठिन है, जान कर लो। लक्ष्मी ने प्रसाद दिया, नारद ने नहीं लिया। क्यों? नारद ने कहा मां खा रहा हूं यूं, अपने घर गया। सरस्वती ने प्रसाद दिया, नहीं लिया। क्यों? मां खा रहा हूं यूं। पार्वती के घर गए, प्रसाद दिया, नहीं लिया। क्यों? खा रहा हूं यूं। पहले से अगर प्रसाद हाथ में लगा हो तो दूसरी बार प्रसाद नहीं लेना चाहिए, प्रसाद एक ही बार लेना चाहिए, दो बार नहीं। उसी से तृप्ति करो, और अगर तुमने एक बार में तृप्ति कर ली तो रोग कभी नहीं आएगा शरीर में, यह ध्यान कर लेना। भोजन कभी दोबारा मत लेना, प्रसाद समझ के खाओ। अगर तुमने आहार समझ के खाया तो तृप्ति नहीं हो सकती है, और प्रसाद समझ के खाया तो तृप्ति हो जाएगी, क्योंकि शक्कर के दो दाने से तृप्ति होती है। खड़ी शक्कर के दो दाने मिलते हैं ना, उसको भी हम चूमते, माथे से लगाते, छाती से लगाते और फिर खाते, वही हमारा पेट भर देती है, तो हमें 4 किलो रोटी खाने की जरूरत क्या है। पर तुमने कभी भोजन को प्रसाद समझा ही नहीं है, तुम उसे स्वाद समझते, स्वाद, और जिसमें स्वाद है उससे तृप्ति कभी हो सकती है? स्वाद के चक्कर में तो नाराज हो जाते लोग भोजन से, हम नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं। अरे प्रसाद समझ के कुछ भी आया है खा लो, कम खाओ, रोज की तरह नहीं खा रहे तो कम खा लो, पर खुश तो रहो। भोजन को देख के ही आदमी टेंशन में आ जाता है, ईर्ष्या में आ जाता है, ये क्या है, ये क्या है, कैसा भी हो अन्न तो है ना, खाली नमक मिर्ची का स्वाद अच्छा नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है, मत खाओ, छोड़ दो उसको, रोटी खा लो कच्ची, अन्न से पेट भरता है, सब्जी से थोड़ी पेट भरता है, नमक से पेट नहीं भर सकता, जीरे से पेट नहीं भर सकता, हींग से पेट नहीं भर सकता है, हल्दी से पेट नहीं भर सकता है, ये तो खाली एक आडंबर है, दिखावा है, बनावट है, रचना है। जीव की संतुष्टि के लिए ये मसाले डाले जाते हैं, इनका असर हमारी बॉडी पर कुछ भी होता नहीं, जीव के स्वाद के लिए, और जीव का स्वाद कभी तृप्त नहीं होगा। प्राणों का तृप्ति चाहिए, आत्मा की तृप्ति चाहिए, वो कैसे होगी, अन्नाद भवंति भूतानि यज्ञ कर्म समुद भव, गीता कहती है अन्न से ही प्राण की संतुष्टि होती है, प्रसाद से होती है, स्वाद से नहीं। तो प्राणों की संतुष्टि करनी है तो अन्न को भगवान समझो, अन्न ब्रह्म है, अन्न देव है, अगर उसे भगवान समझ के खाया तो भगवान में कोई स्वाद देखता नहीं। अच्छा बताइए विट्ठल भगवान कितना काला है तो भी कितने लोग मर रहे उस पे, अगर उसमें कोई स्वाद देखेगा तो कोई जाएगा उधर, नहीं जाएगा। जैसे काले विट्ठल में स्वाद नहीं देखते तुम, वैसे ही अन्न में स्वाद मत देखो, भगवान समझ के निकल जाओ तो तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी, नहीं तो कभी भूख बुझने वाली नहीं है। लक्ष्मी टेंशन में आ गई, सरस्वती के पास गई, सरस्वती तुम्हारे पुत्र नारद धरती पे तीर्थ करके आए हैं, तुम्हारे घर से क्या प्रसाद लिया? सरस्वती ने कहा जब से जन्म लिया है तब से वो तुम्हारे घर का खाता है, मेरे घर के हाथ का तो उसे अच्छा ही लगता नहीं देवी,
तो लक्ष्मी ने कहा फिर नारद कहां से लेके आए? तो फिर तीनों देवियां इकट्ठी हो गईं पार्वती जी के पास में जाकर। पार्वती जी को पूछा, पार्वती जी ने कहा कि भाई मैं तो जंगल वाली हूं, मेरे घर में तो खाना पीना वैसे स्वादिष्ट नहीं बनता, तो नारद जैसे ब्राह्मण अपने घर नहीं खा सकते, इसीलिए लगता कहीं और खा के आया होगा। ये तीनों देवियां टेंशन में बैठी, कहां खा के आया, किधर खा के आया, कहां से लेके आया होगा, हमसे ज्यादा और कौन हो गया खिलाने वाला नारद को। तो शाम का समय नारद जब प्रणाम करने आए तो लक्ष्मी माता ने पूछा, नारद जी तुम धरती लोक पर गए थे और जब से तुम आए हो ना तब से तुम हमारे तीनों लोकों में खाना पीना नहीं कर रहे हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा कि मैं धरती लोक पर जब से गया हूं और अनुसुईया नाम की उस पतिव्रता स्त्री के हाथ का प्रसाद लेके आया हूं, तब से मुझे किसी लोक के प्रसाद में आनंद दिखाई पड़ता नहीं है। इसीलिए मेरी बहनों और बंधु आज स्पष्ट सुन लो महाराज जी से, धरती लोक से ज्यादा सुख वैकुंठ लोक में भी नहीं है, इसीलिए धरती पर रहकर बुरा मत करो, यही सब सुख है, यही सब रस है, यही सब लोक है। सब लोक इधर आते हैं, कृष्ण इधर आए, राम इधर आए, दत्त इधर आए, शिव इधर आए, सबको यहां आना पड़ता है, क्योंकि यहां आए बगैर किसी को तृप्ति होती नहीं। तो तुम क्यों यात्रा करते हो स्वर्ग में जाने? यथागतम स्वर्ग, जाओ मत स्वर्ग में, स्वर्ग बनाओ, जाओ मत वैकुंठ में, वैकुंठ बनाओ, बनाया जा सकता है, हैं? बनाया जा सकता है। पहले झोपड़ी थी अब महल बन गया, ऐसे महल की जगह पर स्वर्ग बनता है, स्वर्ग की जगह वैकुंठ बनता है, लोक बनता है, तुम्हारे हाथ में है बिगाड़ना और बनाना। लक्ष्मी को बता दिया, देवी मैं तेरे घर का खाऊंगा नहीं अब, क्योंकि जब से मैं धरती की उस देवी के हाथ का खा के आया हूं तब से मुझे सब नीरस लगता है, मैं नहीं खा सकता किसी का, मैं तृप्त हो चुका हूं। लक्ष्मी को मन में ईर्ष्या पैदा हो गई, ईर्ष्या जलने लगी लक्ष्मी अनुसुईया से, पतिव्रता स्त्री से। लक्ष्मी को इस बात का घमंड था कि मेरी जैसी सती दुनिया में कोई और। नारद जी ने कहा अपने से बड़ा समझो सबको, अपने से छोटा किसी को मत समझो, और जो व्यक्ति अपने से छोटा समझता है वही खोटा होता है, ये ध्यान कर लेना। लक्ष्मी ने बड़ा समझा और सबको छोटा समझा, और नारद ने आज कहा कि तुमसे भी महान है धरती लोक पर एक औरत, तो लक्ष्मी स्वीकार नहीं करती, और स्वीकार भी किया तो लक्ष्मी ने संकल्प लिया कि जब तक मैं उसे अपने से छोटा नहीं बनाऊंगी तब तक न मैं न खाना खाऊंगी, न पानी पीऊंगी, न सोऊंगी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पड़ोसिन से चढ़ने की लक्ष्मी भी जल रही है तो तुम तो जलोगे ही, है? भगवान की पत्नी को भी जलन हो रही है, ध्यान कर लेना, है? अपने से अच्छी साड़ी पहन के कोई औरत आ जाए शादी में कथा में तो ध्यान कर लेना, ये बाजू वाली है ना कम कीमत वाली साड़ी, ये जानबूझ के पैर रखती उसकी साड़ी पर, जानबूझ के पैर रखेगी, ध्यान कर लो, अभी वैसे फाड़ तो सकती नहीं है, तो आप समझ लेना ये बड़ी मुश्किल की बीमारी है औरतों के अंदर। हर एक औरत को चाहिए कि मुझसे ज्यादा कोई चमकीली दमकीली नहीं चाहिए पड़ोस में। लक्ष्मी को जलन आ गई, ईर्ष्या हो गई। लक्ष्मी ने कहा मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि धरती लोक पे अकेले का नहीं चलता है, संगठन चाहिए, तो अकेला क्या करो, धरती लोक पे तो आंदोलन ही करना पड़ता है किसी को हराना हो तो, आंदोलन तो लक्ष्मी आंदोलन के सदस्य जोड़ रही है। ब्रह्मा जी के घर गई, बूढ़ी मम्मी को पटाया, सरस्वती को, नारद की मम्मी को। सरस्वती ने कहा देवी वैसे तो हम तुम्हारे आगे कुछ नहीं है, पर आप कह रही हो तो हम आपका साथ देंगे। फिर पार्वती के पास पहुंची, पार्वती ने कहा देवी दुनिया बहुत बड़ी है, कौन छोटा कौन बड़ा, अपने अपने काम में मस्त रहो, अपना कर्म अच्छा है तो अपन अच्छे हैं, आप ऐसा मत करो, अपने लिए दूसरे की हानि क्यों कर रही हो। पार्वती ने समझाया पर लक्ष्मी ने नहीं माना। लक्ष्मी कहने लगी पार्वती इसमें मान सम्मान की बात है, मेरे अकेले की नहीं तुम्हारा सम्मान भी जा चुका है धरती पे, तुम्हें भी कोई अब पूछता? धरती पे तो अब केवल पतिव्रता स्त्रियों की जय जयकार हो रही है, हैं? पतिव्रता स्त्री, धरती पर केवल एक स्त्री की जय, पतिव्रता स्त्री की जय, ऋषि स्त्री की जय, साधु की पत्नी की जय हो रही है, साधु संत ब्राह्मणों की सेवा करने वाली औरत की जय 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 चल रही है। अब तीनों देवियां टेंशन ले रही हैं, तीनों देवियां सोच रही हैं, नारद जैसे महान व्यक्ति को जिसने खाली मीठा खिला के पटा लिया है, अब वो दुनिया में किसी के कब्जे में आने वाली ऐसी औरत को कौन बिगाड़ सकता है,
तीनों देवियां सोच गई, शक्ति समझ ली तीनों देवियों ने, पतिव्रता